वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट देखने वाले, जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम फेज वन ने कंप्लीट कर लिया। तो सेकंड फेज के लिए आपके एग्जाम के लिए आप मोबाइल से दे रहे हो तो आप एप्लीकेशन, और लैपटॉप से दे रहे हो तो लैपटॉप की जिप फाइल कैसे डाउनलोड करें वो देखने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पर जाना पड़ेगा। स्टूडेंट पोर्टल पर आप जाओगे तो आपको लेफ्ट साइड पर तीन बार मिलेंगे, वहां पर आप क्लिक करते हो आपको ऑनलाइन एग्जाम का सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन में आप जाओगे तो आपको ऐसा पेज में यहां पर जो एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसा पेज आपको दिखाई देने वाला है। आप यहां पर देख सकते हो एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन सिलेक्शन गाइडलाइन रिगार्डिंग ऑनलाइन ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप समर एग्जाम 2020। जो गाइडलाइन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। गाइडलाइन मोबाइल में और लैपटॉप में भी अलग अलग डिफरेंट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इस GTO ने ऐसा मेंशन किया है कि जिस स्टूडेंट ने कोई भी ऑप्शन सिलेक्शन नहीं किया इसकी एग्जाम ऑफलाइन होने वाली है, जो कोरोना की महामारी जब खत्म हो जाएगी तब वो लेने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी आईडी मैंने लॉगिन करके खींचा था स्क्रीनशॉट, बाद में मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको यूजर नेम, यहाँ पर पासवर्ड आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आप मोबाइल से दे रहे हो तो अब यहाँ पर लिखा है मोबाइल और टेबलेट डाउनलोड फाइल गाइडलाइन, लैपटॉप डेस्कटॉप डाउनलोड फाइल .exe फाइल एंड गाइडलाइन। मोबाइल के लिए आप एप्लीकेशन, मोबाइल के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और गाइडलाइन जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप डाउनलोड फाइल एंड गाइडलाइन, गाइडलाइन में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। दोनों वीडियो में अलग अलग बनाने वाला हूँ आपके लिए। तो आप जिस मोड से एग्जाम दे रहे हो दोनों वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है GTU एग्जाम के लिए। लैपटॉप से जो जिस स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए आपको जब इस .exe फाइल आप डाउनलोड करने जाओगे तब आपके पीसी में एरर आएगी सिक्योरिटी वजह से। तो जो एरर आएगी और आपकी फाइल डाउनलोड नहीं होगी और आपको बैक जाने को बोलेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आपको क्रोम के सेटिंग में जाना है, वहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की सेटिंग में जाना है और ऑल परमिशन में नो सिक्योरिटी सिलेक्शन कर लेना है। सिक्योरिटी सिलेक्शन ऑप्शन है तो आप नॉन सिक्योरिटी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो डॉट फाइल है एक्स फाइल .exe फाइल वो जिप फाइल है, जिप फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है और जिप फाइल को आपको अनजिप में कन्वर्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिप फाइल आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करते हुए लैपटॉप से कर रहे हो तो आप लैपटॉप में राइट क्लिक करोगे तो इनमें अनजिप का ऑप्शन आ जाएगा। अनजिप का ऑप्शन आते हुए आप इसको ओपन करोगे तो अलाउ कर देना है, और इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और एनरोलमेंट नंबर फिलअप कर देना है। दोनों आप फिलअप करोगे और लॉगिन करने की ट्राई करोगे तो अभी तक वेबसाइट कांट रीच ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक प्री ट्रायल टेस्ट जो 11 अगस्त यानी कि कल आपकी होने वाली है तब ही लॉगिन आप कर सकते हो। दोनों के गाइडलाइन में आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप एप्लीकेशन, और मेरी राय ऐसी है आप लैपटॉप से दे या तो टेबलेट से दे या तो मोबाइल से दे। ये मोबाइल से आप दे रहे हो तो आप को बैकअप रखने की जरूर है नहीं, बट आप लैपटॉप से दे रहे हो तो आप मोबाइल के लिए बैकअप रख सकते हो। तो आप मोबाइल में एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लीजिए और अपने लैपटॉप में जिप फाइल, टेबलेट में जिप फाइल को भी आप अपलोड कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप लैपटॉप से नहीं दे पा रहे हो तो आप मोबाइल से दे सकते हो। तो आपको बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो डिवाइस जो प्री ट्रायल टेस्ट में जो फाइनली सबमिशन नहीं हुआ इसकी एग्जाम एज ऑफलाइन कंडक्ट कर सकते हैं या तो आपको नेक्स्ट चांस दे सकते हो। पहली बार जो फेज वन में एग्जाम हुई थी इसको एक प्री ट्रायल टेस्ट में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं थे इसके लिए इसने एक अलग से कंडक्ट किया था, तो शायद आपके लिए भी कंडक्ट कर सकता है GTU।
तो मेरी राय ऐसी है आप बैकअप रख लेना और नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना, गाइडलाइन के रिगार्डिंग है और गाइडलाइन के रिगार्डिंग है, UFM के रिगार्डिंग है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बन सकता है, क्योंकि JTU की एग्जाम दे रहे हो तो इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में भी रूल चेंज अलग डिफरेंट होते हैं और ऑफलाइन एग्जाम के भी डिफरेंट होते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है मोबाइल के रिगार्डिंग, और इसके बाद वीडियो में बनाने वाला हूँ लैपटॉप और डेस्कटॉप के रिगार्डिंग। तो दोनों वीडियो आप डाउनलोड कर, दोनों फाइल डाउनलोड कर लेना और दोनों वीडियो देख लेना। और ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो मेरे को कॉल कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, मेरे तीन व्हाट्सएप ग्रुप है, तीनों के तीन में से एक ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। पहला ग्रुप है फैशन शॉप का, इनमें कोई आपको प्रोडक्ट करना परचेस करना है तो इस ग्रुप में से आप परचेस कर सकते हो। दूसरा डेली अपडेट है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की अपडेट का। तीसरा डेली अपडेट का ग्रुप है, मेरे सब वीडियो की अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तीनों में से कोई एक ग्रुप में ज्वाइन होकर आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं सभी ऑनलाइन एग्जाम का डाउट सॉल्व करने वाला हूँ। और GTU से मेरी बात हुई थी ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग, और जो डाउट है वो मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई डिफिकल्टी ना आए ऐसा मेरा कहना है। अब तो मेरे को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और दूसरा वे ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम आप दे रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जिस स्टूडेंट है डिप्लोमा डिग्री के सब सब्जेक्ट के वीडियो, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट के में अपडेट किया है, तो सब वीडियो आप देख सकते हो। 30 प्लस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस वीडियो में। फाइनल ईयर के जितने भी सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो, TCEE हो, PSOC हो, कि एनर्जी ऑडिट हो, PQM हो, SGB सीज गारंटी प्रोटेक्शन हो, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन हो, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस हो, सब सब्जेक्ट के मैंने MCQ वीडियो अपलोड किया है, तो सब वीडियो देख लीजिए और आपके एग्जाम में आप कोर्स स्कोर कर सकते हो। और दोनों एप्लीकेशन और लैपटॉप में आप बैकअप रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।